कुर्ची गांव की ये पावन धरा और रामदेव जी महाराज का पावन प्रांगण में मंच माथे बिराजुड़ा आसपास पधारुड़ा समाज जनप्रतिनिधिगण, मारा पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथियां, माताओं बहनों और प्यारे बच्चों, सब पहली तो हृदय की गहराइयों आप सब लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग माने बुलाया और मां को जो को मान सम्मान करियो, आपका हृदय आभारी हूं। तेजा जी महाराज को तो जागरण को आज आयोजन है। जागरण को मतलब है जागृति, कि आपका विचार कमाई ने जागृति किया हुआ है, चाहे वह जागृति सामाजिक जागृति हो, राजनीतिक जागृति हो, आर्थिक जागृति हो, आपा को भविष्य क्या उज्जवल बढ़ावा क्या आगे बढ़ा और क्या आपा की जगह धर्म की रीति नीति है एक माते आपा चाला एक नाम जागरण है। अब जागरण देवनाला लोग आपका शब्द का माध्यम हूं, आप सब लोगों ने जगाने की कोशिश करी, मैं तो मंच का माध्यम हूं, आप लोगों में अपील करूं कि आप सब ग्रामीण परिवेश का लोग हैं और आपा की सनातन परंपरा रही कि आप धर्म ग्रंथा के अनुसार चालन की कोशिश हमेशा रिया। और आप मारवाड़ की धरती चकी है, आप वो सूरवीरा की धरती है, भक्ता की धरती है और नागौर जिलो जटे आप देखो मेरा भाई कर्मा भाई जसनाथ जी को आपका आसन सारा ही है, अरे बाबू जी को, अरे आपने हर 2-4 किलोमीटर के माध्य कोई ना कोई तपस्वी और साधु संन्यासी वो बहुत बड़ा बड़ा धार्मिक स्थान बनोड़ा है और आपका धर्म हमेशा बंदीड़ा लोग हैं। मैं तो आप लोगों का निवेदन करूं कि जन जन जड़ो मौको मिले आपने जरूर कोई धार्मिक कार्यक्रम हुए मेरे आयोजन हुए बिना अच्छो मांग शब्द हूँ धर्म की बात सुना लाभ लेवा ताकि आपा को जीवन जो है सफल हुए। ये जगह जागरण है या जगह भी सामाजिक समारोह आगे मायने आपा की बुजुर्ग की एक सब बड़ो जो कारण हो आयोजन को वही हो कि आपा के मायने सामाजिकता बनी रहे क्योंकि अटपढ़िया लिखे बच्चा भी बहुत है क्या बच्चों जो पढ़े ना स्कूल जावे सब पहली चीज पढ़े कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मतलब समाज के बिना मनुष्य की कोई कल्पना नहीं कर सके। और वह सब चीज आज आप देखो कि रात ने 1-2 बजे है पर आप लोग सब एक 36 कौम का लोग एक जजन के माथे बैठ और आज जब जागरण को आयोजन जो करियो लिंग आप लाभ ले रहे आई आप सनातन परंपरा है। और मैं तो आपने हाथ जोड़ो ही निवेदन करूं कि 36 कौम का लोग आपा की आई धार्मिक परंपरा रही है कि सब लोग साथ बैठ पड़ा और एक दूसरा का सुख दुख में आप भागीदार बना और आपा को जीवन सफल करा। मात्र शक्ति के अड़ बैठी है मैं हाथ जोड़ हुआ भी निवेदन करूं कि अब जमाना जो बड़ो प्रतिस्पर्धा है कंपटीशन को जमाना है, अब बच्चा बच्चा ने पढ़ाना बहुत जरूरी है, बच्चा ने पढ़ाओ बच्चा ने भी पढ़ाओ और पढ़ाई के साथ साथ अच्छा संस्कार दो बहुत जरूरी चीज है क्योंकि गांव के मायने जन्म लियो और जयपुर जैसा बड़े बड़े इंस्टीट्यूट मायने मानवी पठन को मौको मिलियो और देश विदेश का साहित्य ने पठन को मौको मिलियो। आज 5-7 देशों की बात करा जटे लोग धर्म दूर चलिया गया और वहां को एका के जीवन है तो अखबार का माध्यम आप जब भी कोई ऐसा एड़ो साहित्य पढ़ो क्योंकि नवयुग बहुत बड़ी तादाद में है तो आऊंगी एक निवेदन करूं मैं एड़ो साहित्य आप जरूर पढ़ो कि बट जगह सब बड़ी जगह बीमारी है बट बीमारी है एकाकी पंक्ति के बट आदमी एक लो ये पड़ोसी कोने में जाने पड़े और सब जगह आज आत्महत्या जरा बड़ा कदम जगह है वे लोग उठा रहे हैं क्योंकि बट समाज का सिस्टम को नहीं आपा का समाज आपा का परिवार हाँ सब चीजों आपा बंजुड़ा बड़ा और संयुक्त परिवार का कोई फायदा हूं तो कि परिवार के मायने कोई भी सदस्य यदि कोई उदास हो तो बड़ा बुजुर्ग मैंने पूछता भाई कारण कहीं है और मेरे को निदान को प्रयास करता तो मैं तो आप लोगों को ही निवेदन करूं कि आप ग्रामीण परिवेश का लोग हैं मध्यम वर्ग के लोग हैं आप चीजों को बहुत ध्यान रखना चाहिए पढ़ाई लिखाई भी करो क्योंकि देखो आज धरती ले पताल ले चांद तई विज्ञान को युग है आगे जानकारी भी जरूरी है पर आपा का जगह धर्म शास्त्र है मां को अध्ययन करना भी आपने बहुत बड़ी आवश्यकता है। कई जगह देखो आपा का बुजुर्ग भी बहुत बड़ा वैज्ञानिक है
पर आज मांगो साहित्य उपलब्ध बनी। आज हजारों साल पहले देखो आप जसना जी महाराज मांगो आप साहित्य पढ़ो आपके पड़ोस में या जगह पर्यावरण के मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। नशा मुक्ति का बहुत बड़ा बड़ा आंदोलन चलाया। 29 धर्म अपनाओ जांबोली महाराज या बे 36 धर्म अपनाओ पर आप लोग ने बीचे बीचे वो बारे को पाश्चात्य संस्कृति को जो साहित्य उपलब्ध हुए भी वहां पर आपा का बुजुर्गों का साहित्य ने भूल गया। आज बड़ा बड़ा सेमिनार हुए और कोई कहे नहीं वो मॉडल मेडल मिल गो और काम वो करियो पर्यावरण की बात करे पेड़ लगाओ तो मांगा तो बुजुर्ग लोग हजारों साल पहले कहता पेड़ लगाओ पानी चीज को उठाओ कि आने दिन में सब बड़ी जगह मनुष्य की दिक्कत वेली बाह वेली शुद्ध ऑक्सीजन मिलना बहुत बड़ी बात हुई। आज गांव का लोग देखो आप बड़ा प्रसन्न चित्र है वहां आप बड़ा शहर में जाता रहो बड़ी बड़ी सिटिया जगह महानगर है मांग मायने लोग इतो बट प्रदूषण है लोग जीवनों मांग दुबर हुई गो। तो मैं तो आप लोगों को वही निवेदन करूं जब भी आपने मौका मिले कंपटीशन की तैयारी करो आगे बढ़ो पर आगे हाथ आते किताब आगे हाथ आते आप जगह बुजुर्गों का धर्म और धर्मशास्त्र जगह है बाको भी आप अध्ययन करता रहो ताकि वो सगड़ो जो मिश्रण जो है मैं आप एक अच्छो जीवन जी सका। और मैं मंच का माध्यम हो गया देखो तेजा जी को जागरण है और तेजा जी सत्यवादी और रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए मतलब मैं वचन कर गया काड़ा हूं कि मैं गोजरी की गाय पाची लाऊं और पच मन तू डस लीजिए और गोजरी की गाय लाई पड़ी और पाचा डसाऊ किया कितनी बड़ी बात है। तो आ सब चीजें को आपने ध्यान रखना है क्योंकि तेजा जी आप आराध्य देव आ और कलयुग का मैंने एक मेरा देवता जगह योद्धा के रूप में जगह की देखो भक्ति शक्ति आ घर पर तो कई बड़ा बड़ा देवता देव हुए ही है पर बाबू नाम सिर्फ एक महायोद्धा का रूप में कलयुग के मायने वीर तेजा जी को यो। तो मैं तो आप अभी निवेदन करूं कि भाई जो गाय ने बचाऊ को जो प्रण गपरा और आपका शरीर की आहुति देती बलिदान देती हो वहां सब चीजों की आपने सोचने की जरूरत है बाकी जगह बतावड़ा रास्ता है माँ माता का चलने की कोशिश करो और गाय माता का जो भी हालत है आप वहां भी देख रहे हो भिंगवा सरकार को सिस्टम भी दोषी है कई अड़ा कारण है जगह वहां सब चीजा माते भी अपन चिंतन करने की जरूरत है। और मैं तो ये मंच का माध्यम आप सब लोग वही निवेदन करूं कि आप सब लोग मिल और आपा को परिवार आगे क्या बढ़े आपा को गांव आगे क्या बढ़े आपा को देश आगे क्या बढ़े हाँ सब चीजा माते अपन सोचने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारी माता बहना भी बैठी है और युवा साथी भी बैठे हैं देखो मोबाइल आज सब बड़ो जगह जटे भी बड़ा बड़ा देश में क्रांति हुई बाकी सब बड़ो कारणों संचार की संचार क्रांति जगह हुई तीन कारण कई तख्ता पलट हुई था कई राजनीतिक पार्टियां जगी हमेशा शासन करती आई माने लोग नकार दी तो बिग मैंने सब बड़ो जो कारण हो वो इंटरनेट को युग है और सोशल मीडिया को जो प्लेटफॉर्म है वो सब बड़ो कारण हो पर आपा का जगह हमारा छोटा भाई खड़िया है अब हम भी निवेदन करूं कि सोशल मीडिया को टाइम है और वो जो फोन है वो महासागर है महासागर में आपने हीरो भी मिलती मूंगो भी मिलती मोती भी मिलती और एड़ी एड़ी चीजें भी गणी है जो कि आप कोई काम की कोई बस सब चीजें आपने दूर रहने की बहुत जरूरत है। आओ मैं आपको एक मंच का माध्यम निवेदन करूं आप बच्चा बच्चा ने पढ़ाओ अच्छा संस्कार दो और सब लोग मिल और आपका परिवार आगे किया बढ़े उन्नति किया करें भी सब चीजें माते आपने चालना है। अभी सरपंच साहब थोड़ा ओड़ को दियो कि भाई लेट गणाया अब बात ठीक है लेट गणाया पर सुबह इतना जल्दी निकलिया और इतना कार्यक्रम व्यस्त कि थोड़ा लेट हो एक बार मैं माफी चाहूँ आप लेट आऊंगी पर आईंदा कोशिश करा समय मत भी मैं मारो थोड़ा लेट को सिस्टम कर मैं समय में चलने को पूरा प्रयास करूँ पर पहले क्यों 10 बजे अड आओ पर कदवाना क्यों 10 बजे माँ क्या बोलने मैं देखिए पहले पर जावा थोड़ा आराम चालू दे मोटो घर को गांव है धीरे धीरे क्यों लंबा टाइम था कार्यक्रम चाले आईंदा को भी ध्यान रखा आप लोग मैंने बुलाया जब मान सम्मान दियो एक बार मैं आपका हरदम आभारी हाँ और परमपिता परमेश्वर रामदेव जी और तेजा जी महाराज मैं कामना करूं कि आप सब बड़े जगह बिराजे हो आपको भविष्य उज्जवल हुए आपका परिवार आगे बढ़े आई सब सब्जन के माते मैं हमारी वाणी में विराम दूं। पर एक चीज जब आया जब छोटी बात एक मारो निवेदन है वो भी मैं कर जाऊं कि काफी लंबा टाइम हो थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो
एमपी का चुनाव के बाद मारे थोड़े इस स्लीप की प्रॉब्लम होगी, आराम करने को मन हो और उपचुनाव आएगा। और मैं भी यह सोचो मैं कि अब के कोई दूजो सेवा करने वाला आदमी हुए, मैं एमपी साहब को घनी अरदास भी करी कि कोई बढ़िया कोई माओ हाथों सेवा करने वाला आदमी आप लोगों ने मिले किमसर की जनता ने तो बहुत अच्छी बात है। पर जगदीना ने बेड़ा करिया सगड़ा बुजुर्गों ने और हमारा युवा साथी भी बहुत बड़ी तादाद में आया और वह भेड़ा ऊपर ही माड़ा मारे गड़ा में गाती मटाई। तो मैं तो देखो आप लोगों को आभारी हूँ कि मैं भी बहुत मैं भक्ति बावड़ो आदमी हूँ और केवल के कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर रहे इंसान और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। देखो आप लोग पिछले 3 बार हमारा भाई साहब ने तो बहुत विकट परिस्थितियां में आप अलग अलग झंडा के मायने अलग अलग चुनाव चिन्ह के मायने एमएलए बनाया, अब के माने आप संसद के माय भेजे देश की सब बड़ी पंचायत में पड़ मांगो जो काम हो छोटो मोटो सेवा की जगह भावना ही मैं तो लगभग लोगों ने भैया मैं चेहरा हूँ जानू लगभग लोगों ने और मैं पूरा प्रयास करियो और सारे किमसर के मायने एक नई कोऑपरेटिव संस्था मार्केटिंग की स्थापना कर पड़ी और आप लगभग लोग बड़े एकदम जुड़ रहा हो तो मारो तो हमेशा प्रयास रहियो कि ये देश इस दुनिया में आया और अच्छा संस्कार को पूर्व जन्म का बढ़िया कर्म करोड़ा तो अच्छा परिवार में जन्म लियो माता जी पिताजी अच्छा मान संस्कार दिया मैं बड़ा बड़ा संस्था मैंने पढ़िया पर कदे ये माटी को रंग नहीं छोड़ियो मैं तो आज भी कोशिश करा कि माँ का संस्कार के कारण माँ के पास कोई अंगुली नहीं उठा रहे मेरे जीवन को कोई सार नहीं इन वास्ते मैं हमेशा बस संस्कार चलिया और गरीब ने गणेश मान और हमेशा आपकी सेवा कमाई में तत्पर रहा और भी कोई नतीजे मिलियो कि आप लोग मैं तो घर सुतो और क्यों तक खड़ो हूँ एमएलए वहाँ लोग जो एक दो दो महीने टिकटा वहाँ दौड़े और हमारे जो घरे माटे लाइब्रेरी के चुनाव लड़ना था सब लोगों को तो मैं तो देखो हाथ जोड़ आई आप सब लोगों को आभार व्यक्त करूँ और मैं तो देखो आगे आने वाला चुनाव भी है आगे निकायों का चुनाव है पंचायत का चुनाव है और मैं तो हमेशा एक बात कहूँ कि जनप्रतिनिधि अच्छो चुनो लोकतंत्र के महीने जो आपकी आधी समस्या अपने आप खत्म हो जाए अच्छा जनप्रतिनिधि के साथ चलो क्योंकि अच्छो जनप्रतिनिधि एक गाड़ी के मायने हेडलाइट की तरह हुआ है गाड़ी चाहे 50,000 की हो चाहे 5 करोड़ की हो जड़ता ही मेरे मायने हेडलाइट अच्छी नहीं हुई तो मैं अंधेरी रात में वो अच्छो सफर नहीं कर सका क्यों आज जनप्रतिनिधि अच्छो हुई तो आपका एक मिस कॉल के मत है आपका सुख दुख के मायने वो बिना पके मैंने पकड़ की गाली आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रही। मैं तो परमपिता परमेश्वर हूँ हमेशा ही कामना करूँ रामदेव जी महाराज हूँ तेजा जी महाराज हूँ कि हे प्रभु माने इतनी शक्ति दीजियो कि आप लोगों की आंखें आंखें सामने जब भी मैं देखा तो माँ के प्रति आपकी अपेक्षा आपकी उम्मीद है माँ कि माँ को जरूर विकास के मायने आप लोग की करो तो मैं तो आप लोगों को मंच के माध्यम वादों कर जाऊँ कि आपका टाबर हाँ कदे ही कोई छोटा मोटा ओढ़ हो तो बिल्कुल आप कान पकड़ मान कह सको कोई माँ की गलती हुए क्योंकि जब मीना के कटे चूक भी जाए आप ही कौन के माँ के कोई आदमी चुके बोले चुका तो जरूर आप बता दियो और माँ के लाई कोई भी सेवा हुए रात का 12 बजे तो मैं आपकी सेवा में हमेशा तैयार रहा कोई मैं मंच का माध्यम वादों कर जाऊँ एक बार पाछो अरे सगड़ा बेरा जोड़ा लोगों ने मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ आपको आभारी हूँ कि आप हमेशा मन का परिवार का माते प्यार प्रेम और आशीर्वाद इतो रखियो और रामदेव जी और तेजा जी महाराज भाई मैं कामना करूं कि आप ठाकुर माँ को जो कोई एक पारिवारिक जो रिश्तों है वो रिश्तों और ज्यादा मजबूत हुए आप सब लोगों का सहयोग मैं आगे बढ़ा और प्रभु मान इतनी शक्ति दे कि मैं आगे बढ़ रही कभी अहंकार ही नहीं हुआ मैं हमेशा आपके साथ आंगुड़ी पकड़ और चलाऊँ की आपने कोशिश करा और किमसर विधानसभा ने एक विकास का नया आयाम किया स्थापित हुए 5 सब चीजें के माथे घोर कर पड़ी और आप सबका सहयोग आवनार दिन आज 21 अक्टूबर का जगह चुनाव है मेरे मायने आप लोग ज्यादा से ज्यादा समर्थन आपका छोटा भाई हाँ आपका बच्चा हाँ आपका भाई हाँ तो माने ज्यादा से ज्यादा समर्थन आप दीजिए और कल नामांकन की रैली है 11:15 बजे तो आप वहाँ हाथ जोड़ निवेदन करूँगा ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप पधार पड़ा और मान आशीर्वाद दीजिए जय हिंद राम राम साहब बोले वीर तेजा जी महाराज की धन्यवाद।